इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का ही जो कि सेकंड टेस्ट मैच होने वाला है और सेम वेन्यू पे मैच होने वाला है जो कि मुल्तान पे। जितना मैंने पिच के बारे में सुना है, फर्स्ट मैच वाली पिच है ना जो 5 डे उस पर जो बैटिंग हुई है वही पिच ये सेकंड मैच के लिए तैयार करके बैठे हैं। जैसे क्या करना चाह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे स्पिन हो रहा था, पेसर को भी हेल्प मिल रहा था, तो ये यूज़ वाली पिच करेंगे यूज़। तो पाकिस्तान यहाँ टॉस जीत के करेगा बैटिंग और 300+ बनाएगा, 300 या 500 पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में बना देता है तो इंग्लैंड को यहाँ बैटिंग करने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि पिच के क्रैक पहले ही खुले हुए हैं, मतलब 1-2 घंटे में पिच के क्रैक खुल जाएंगे और यहाँ पे स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो पाकिस्तान यही करना चाह रही है। फिलहाल गाइस विकेट कीपर में पहला नाम आता है पाकिस्तान और इंग्लैंड के रिजवान, जो कि इस वाले फर्स्ट मैच में अनलक्की रहा, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था मगर अनलक्की रहा। अभी इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है जो कि जे स्मिथ बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है मगर दोनों एक ही इनिंग आई उसमें इसने बैटिंग से अच्छा खासा पॉइंट दिया, जिसमें 24 पे 31 रन मारे थे, ताबड़तोड़ बैटिंग की थी। अच्छा विकेट कीपिंग से ऑप्शन होने वाला है, प्लस कैच और विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकता है। तो रिजवान और जे स्मिथ दोनों आप प्रेफर कर सकते हो। तो विकेट कीपिंग में जो कि 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, मैं रिजवान के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग की तरफ बढ़ते हैं, हैरी ब्रुक भाई ने 300 रन मारे और हमारी टीम में था और फर्स्ट मैच में आप भाई की सिलेक्टिंग देख लो 65% थी और हमने पिक किया था भाई, इजीली वन साइड क्लीन हुआ था। तो दोबारा मैं पिक कर रहा हूँ क्योंकि रीसेंट इसकी मैंने बताया था ODI में ये शतक मार के आ रहा है, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में था और सेम करके गया। और शाइन मसूद जो कि पाकिस्तान का कप्तान है, इसके बारे में मैंने बताया था 2-3 मैच से फ्लॉप है, ये हो सके अच्छी इनिंग खेल सकता है। भाई ने अच्छी इनिंग खेली और आप देख सकते हो 200+ पॉइंट दिया। जैक क्रैवली जो कि ताबड़तोड़ स्टार्ट देके गया था 85 पे 78 रन 13 चौके, तो जैक क्रैवली भी इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकता है। जब जो भी टॉस जीतेगा यहाँ बैटिंग करने वाला है तो बैटिंग के हिसाब से उस टीम के आप 3 से 4 बैट्समैन प्रेफर कर सकते हो। सेकेंड इनिंग वाले के भी बैट्समैन ले सकते हो मगर थोड़ा बैटिंग करने में डिफ़िकल्ट होने वाला है। बाबर आजम जो कि भाई टीम ने ड्रॉप कर दिया है, क्यों ड्रॉप कर दिया, क्योंकि भाई की फॉर्म बिल्कुल ख़राब है, मतलब टेस्ट मैच में लास्ट 10 से 14 पारियों में एक भी 50 नहीं मारी भाई ने, तो इस कारण हटा दिया गया। उसके बाद बेन डेकिट जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है, ताबड़तोड़ बैटिंग करता है और फर्स्ट मैच में भी हमने लिया था और इस वाले मैच में भी हम ले रहे हैं। शकील जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, मैंने कप्तान वाइस आपको बना के दिया था क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉर्म में है साउथ शकील बहुत ही टेक्निक बैट्समैन है, बिल्कुल आराम से खेलता है, तो इस कारण मैंने लिया था। ओली पॉप क्योंकि लास्ट मैच में ओपनिंग आया था और कप्तानी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ 3-4 टेस्ट मैच खेल चुका है, एक में भी अच्छा परफॉर्मेंस अभी किया नहीं, एक आधे मैच में 50 मारा है, तो चाहो तो इस वाले मैच में आप प्रेफर कर सकते हो, फिलहाल मैं ले नहीं रहा। दूसरा नाम आएगा अब्दुल्ला शफीक जिसने फर्स्ट इनिंग में शतक मारा था और सेकंड इनिंग में आउट हो गया था, तो भाई अब्दुल्ला शफीक को ही मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं भाई बैटिंग से जा रहा हूँ जो कि हैरी ब्रुक, शाइन मसूद, बेन डेकिट और साउथ शकील, अब्दुल्ला शफीक को मैं छोड़ रहा हूँ। तो भाई मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, ऑलराउंडर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पहला नाम आएगा जो रूट जो कि मैं दोबारा से कप्तान बनाने वाला हूँ। भाई ने 250+ रन किए थे और प्लस ओवर भी इसने डाले थे, 7 से 10 ओवर डाले, तो कप्तान से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं होने वाला। फिर आगा सलमान जो कि बहुत ही बढ़िया विकेट भी ले गया था प्लस आपको बैटिंग भी ताबड़तोड़ करके गया था, 100 रन मारे भाई ने। उसके बाद क्रिस वॉक्स जो कि अच्छा पेसर है, बैटिंग और बॉलिंग से आपको 70+ पॉइंट दिए, तो चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद शाइन अयूब जो कि पाकिस्तान की वनडे कप हुआ था उसमें अच्छी बैटिंग करके आ रहा था, 150 या 200 मार के आ रहा था मगर पहले मैच में 74 पॉइंट दिए। उसके बाद अमीर जमाल जो कि बैटिंग से अच्छी पॉइंट देके गया था, आप देखोगे भाई ने बैटिंग करके गया 55 रन मार के गया और पेसर है, बहुत ही बढ़िया हिट करके डाल रहा था मगर पिच मुल्तान की इतनी घटिया बना रखी थी पहले टेस्ट मैच में कि बंदा ताकत लगा के बॉल डाल रहा था मगर बॉल में कुछ रिएक्ट नहीं हो रहा था, मगर मैं आज़ज़ जमाल को लूँगा जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप चाहो तो अब्दुल्ला अब
ए शरीफ या शाहीन अयूब, इन दोनों में से एक को प्रेफर कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी तीन ऑलराउंडर लिए जिसमें जो रूट, आगा सलमान और ए जमाल, ये तीन मेरे पास हैं। गेंदबाजी की तरफ चलते हैं। जय लीच, जो कि मैंने बताया था हेड टू हेड में अच्छा खासा इसने परफॉर्मेंस किया था और अभी भी अच्छा कर रहा है। आप देखोगे 100+ पॉइंट दे रखा है, इम्पोर्टेंट है, इस कारण में मैं ले रहा हूँ जैक लीच, जो कि मैं ले रहा हूँ। इंग्लैंड का बहुत ही बढ़िया स्पिनर है और अच्छी बॉलिंग करके गया था। उसके बाद नसीम शाह को भी भाई टीम से ड्रॉप कर दिया है क्योंकि इंजरी इशू था। और उसके बाद आप देख सकते हो जिक्स, जिसने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, 2 से 3 विकेट ले गया था बाबर आजम को एक आधे और विकेट ले गया था। साइंस आफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि फॉर्म बिल्कुल भी ख़राब है बंदे की, बिल्कुल ख़राब फॉर्म है। बी क्रॉक्स, जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करके गया था, प्लस बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग आई नहीं। और एस बसीर, जो कि बहुत बढ़िया स्पिनर है मगर पहले मैच में उतना खास इम्पैक्ट नहीं दे पाया। हो सके पाकिस्तान की साइड से एक स्पिनर खेलने वाला है जो मुझे सुनने में आ रहा है, या नुमान अली खेलेगा या एक ऑलराउंडर में हो सकता है, मैं देख रहा हूँ। अभी पाकिस्तान में स्पिनर कोई शो तो हो नहीं रहा गाइस, तो फ़िलहाल मैं नुमान अली ले रहा हूँ जो कि मुझे लग रहा है प्रेफर फर्स्ट चॉइस होने वाला है। और एक जो ऑलराउंडर मैं सोच रहा हूँ लेने की, जो कि मैं एक गेंदबाज लेने की सोच रहा हूँ, या जिक्स या क्रॉक्स या क्रिस वॉक्स। फिलहाल मैं वॉक्स के साथ जा रहा हूँ जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। और तो गाइस, गेंदबाजी से भी मैंने लीच और नुमान अली लिया है, यही दो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं गाइस। कप्तान वाइस मैंने सीधा बता दिया, जो रूट से बढ़िया कोई कप्तान नहीं है। वाइस आप किसी को बनाना चाहते हो तो हैरी ब्रुक्स, शाह शकील या आगा सलमान। फिलहाल मैं आगा सलमान के साथ जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है। गाइस प्रेडिक्शन टीम देख सकते हो, रिजवान है, हैरी ब्रुक्स है, सैन मसूद है, बेन डकेट है, शाह शकील है, जो रूट कप्तान है, आगा सलमान है, क्रिस वॉस है, ए जमाल है, एल लीच है और नुमान अली है। गाइस प्रेडिक्शन टीम आप देख सकते हो, फाइनल टीम टेलीग्राम पे लाइक और कमेंट के साथ तैयार है ना। मिलते हैं गाइस फाइनल टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।